और यहाँ पर ना आज मैं ट्राई करने लगी थी नौश की वॉफल रेसिपी, तो मैंने कहा चलो रिकॉर्ड भी कर लेते हैं कि कैसी बनेगी। और वैसे तो मैं अपनी ना, जब मेरी पैनकेक्स की रेसिपी होती थी उसी से ही मैं वॉफल्स भी बना लेती थी, लेकिन इनकी ना थोड़ी सी डिफरेंट है, तो मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि काफ़ी मज़े के लग रहे थे उनके, तो इसलिए मैंने कहा हम ट्राई करते हैं। तो दो अंडे और 1 टेबल स्पून हमने इसमें लिया चीनी, और इनको हम करेंगे बीट, और साथ में इसमें हाफ हाफ कप ऑयल भी डाल देंगे। और उन्होंने तो वनीला एसेंस डाला था, मेरे पास ना ये ऑरेंज पड़ा हुआ, मैं नया लेकर आई थी, और ना मैंने अभी तक ये यूज़ नहीं करके देखा कैसा है, क्योंकि लेमन एसेंस मैंने यूज़ किया था वो बड़ा मज़े का था, तो मैं इस दफ़ा ना ऑरेंज लाई थी, तो ये मैं डालूँगी। और साथ ही हम इसमें डालेंगे ये 4 टेबल स्पून था बेकिंग पाउडर, और ना ये मैं मैदे के साथ रख देती हूँ, और ये मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, लेकिन मैंने फिर भी रेसिपी एग्जैक्ट फॉलो की है, मैंने कहा ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और इसमें ना हमने 1 कप, और साथ हमने डालना है 1 3/4 कप सॉरी दूध का, तो ये भी डाल दिया। और सॉल्ट हम डाल लेते हैं अपनी मर्ज़ी से, ये ऑप्शनल था थोड़ा सा। और इसको फिर से करते हैं बीट, और ना बस अब हम साथ साथ बीट करते जाते हैं, और साथ साथ मैदा भी शामिल करते जाएंगे। और ये हमारा बैटर हो चुका है रेडी, ये सुबह बच्चों को लंच के लिए मैंने बनाया है, और ना ये इसकी कंसिस्टेंसी है इस तरह की, और ऐसी ही थी उनकी भी, तो ये सुबह बनाऊंगी ना पता चलेगा, तो इसको भी फिलहाल ना फ्रिज में रख दूंगी। और आज नाश्ते में तो हाशरे को हलवा देने लगी हूँ, और ये हाल होता है मेरे, इसको क्या कहते हैं वॉफल्स का, देखती हूँ अब क्या करना है। ये लो जल्दी से फिनिश कर लो, लेट हो जाओगे। और यहाँ पर रात का मैंने इतने शौक से जो बैटर बनाया था वॉफल्स के लिए वो बनाया था, और ना मैंने कहा सुबह चलो वॉफल्स बना के देखूँगी, क्योंकि ना मैंने मेरे जहन में ये बात थी कि शायद मैं गर ठंडे वॉफल मेकर में डालती हूँ इसलिए वो चिपक जाते हैं, और नौश ने डाले थे गर्म करके, तो मैं भी ना गर्म करके डालूँगी, लेकिन मैंने गर्म करके भी डाले तो फिर भी उसके साथ चिपक गया है, तो ये मेरे हाल में कोई मेरे उसका ही मसला है मशीन का ही। तो पहला बैच तो मेरा इस तरह वेस्ट गया, और ना ये कि ठंडा जब हो गया था ना दोबारा से, तो उसके ऊपर से ना वॉफल्स उतर आए थे और वो पक भी चुके थे, तो टेस्ट वाकई में बहुत ज़बरदस्त था, बल्कि मुझे लग रहा था कि जो बेकिंग पाउडर है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी स्मेल वगैरह ना आई या उसका टेस्ट बुरा सा ना आए, लेकिन बहुत मज़े का लग रहा था। और दूसरा ऑरेंज एसेंस का, तो और उसने ना और ज़्यादा इन्हेंस कर दिया था इसके टेस्ट को, तो टेस्ट नो डाउट बहुत मज़े का था, और टेक्स्चर भी बहुत ही अच्छा था। तो फिर मैंने बाद में क्या किया, मैंने उसके बाद सैंडविच वाला जो प्लेट होती है ना वो लगा के उस पर मैंने बनाने की कोशिश की, लेकिन उस पर भी चिपक गया, तो फिर मैंने क्या किया जो पैन होता है ना केक वाला उसमें डाल के तो बेक कर लिया उसको थोड़ी देर के लिए, तो जाहिर बात है मैंने देखचे में बेक किया था तो ऊपर से कलर वगैरह तो नहीं आया उसको, लेकिन वो इतना मज़े का लग रहा था और इतना वो स्मूथ सा केक बना था ना कि बच्चे कह रहे थे शायद चीज़ केक खा रहे हैं हम, और बड़ा टेस्टी बना था। तो नो डाउट रेसिपी तो आउट क्लास थी, और इंशाल्लाह मैं दोबारा भी ट्राई करूँगी, तो क्योंकि जब इसमें ना ये बेसिकली तो वॉफल्स के लिए था तो चीनी कम थी, और मैं ना अभी इस रेसिपी से ना इसी तरह ही ट्राई करूँगी कि मैं केक बेक कर लूँ और फिर ना बच्चों को उसके पीसेस वगैरह कट करके तो दे दूँगी, क्योंकि मज़े का बना था काफ़ी। और यहाँ पर ना बस इस टाइम मैंने साथ साथ करनी होती है लंच की तैयारी, क्योंकि मेरी कोशिश होती है इसी टाइम कर लूँ, ताकि जब ज़ुबैर घर आए और बाहर जाने का कोई काम हो और वहाँ से वापस आए तो ना हमारा लंच और तकरीबन रेडी हो, तो बस रोटी शोटी पकाई और जो एंड वर्ड वाले काम होते हैं वो कर लिए। तो आज मैंने बनानी थी फ़िश, तो मैंने फ़िश निकाल ली, उसको मैंने माइक्रोवेव में रख के डिफ्रोस्ट किया कि ना ठंड है तो वो बर्फ़ वाली जिनसी होती है वो फिर ना डिफ्रोस्ट हो ही नहीं रही होती होती, और मैं पानी में भिगोना नहीं चाह रही थी, फिर वो बहुत ज़्यादा ना ऐसे उसके अंदर पानी अब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि पहले ये फ्रोज़न होती है,
तो फिर ना मैंने क्या किया, इसको माइक्रोवेव में डिफ्रोस्ट किया, मसाले लगाए और मैंने रख लिया कि अच्छी तरह से ना थोड़ी सी मैरिनेट हो जाए, और उसके बाद फिर ना जब पकाने लगूंगी तो मैं बेसन वगैरह ऐड करके ना पका लूँगी। और जो फिंगर फिश होती है वो तो ज़्यादातर लोग ना मैदा लगा के पकाते हैं, और मैंने भी अगर कोई गेस्ट वगैरह आए हुए हों या कुछ इस तरह से होना तो मैं मैदा लगा के पकाती हूँ, लेकिन जब मैं घर के लिए बनाती हूँ ना तो मैं उस पर लगाती हूँ बेसन, क्योंकि बेसन से बेइंतहा मज़े का टेस्ट उसका हो जाता है, मतलब डबल हो जाता है टेस्ट फिश के साथ, और फिश का और बेसन का कम्बिनेशन और साथ वो बीच में अजवाइन, तो फिश कभी भी ना इंशाल्लाह आपकी बुरी नहीं बनती। और यहाँ पर बातें करते करते मैंने अपने सारे बर्तन भी समेट लिए हैं, क्योंकि ये मैंने रात को वॉश करके रख देती हूँ, जो खाने के बर्तन होते हैं और जिसमें मैंने हांडी शांडी पकाई होती है वो सब। फिश तो मैंने डिफ्रोस्ट होने के लिए रख दिया, साथ ही ना आज आलू के पकौड़े बनाने का भी मेरा दिल है, तो ये भी बस काट लूँगी। काफ़ी दिनों से ना आलू वाले पकौड़े वगैरह खाने को दिल कर रहा था, लेकिन टाइम ही नहीं होता, दिन इतने छोटे हो गए। मैंने कल ज़ुबैर से पूछा, मैंने कहा दिन को खाने में बना लूँ पकौड़े और फिश वगैरह, तो कहते बना लें, तो मैंने कहा चलो आज यही खाएंगे। एक आध मिर्ची वाला भी बनाऊंगी, जो ग्रीन मिर्च वाला होता है, तो अगर खाया गया तो फिर बंदा कभी दोबारा भी बना लेता है, क्योंकि मैंने पहले कभी खाए नहीं है। और यहाँ पर मैंने लंच की तैयारी तो वैसे कर ली थी, लेकिन आज मम्मा की तरफ से आ गया था खाना, तो फिर ये वाला सब कुछ मैंने उठा के फ्रिज में रख दिया, और ये फिर इंशाल्लाह अब हम अगले दिन खाएंगे। और साथ ही साथ ना मैंने जो लहसुन कल ग्राइंड करके रखा था क्यूब आइस ट्रे में, तो उसके क्यूब्स रेडी हो चुके हैं, तो वो भी मैंने कहा निकाल लूँ और ना मैं ज़िप्लॉक बैग में डाल के रखूँ। और बस यहाँ पर सारा कुछ समेट समाट के तो फ्री होने के बाद तकरीबन 8 साढ़े 8 के बाद ना मैं फिर नाश्ते की तैयारी करती हूँ, क्योंकि सुबह मेडिसिन ली होती है, फिर उसके बाद ना 1 घंटा वेट करना पड़ता है। तो फिर मेरा ये होता है कि मैं ना मेडिसिन सुबह 6:30 बजे बच्चों को जब नाश्ता वगैरह रेडी करी होती हूँ तब ले लेती हूँ, ताकि जब भी मुझे भूख लगे ना फिर मैं खाना खा लूँ, क्योंकि 1 घंटा उसके बाद तो वैसे ही कामों में गुजर जाता है, पता नहीं चलता। तो फिर यहाँ पर बस नाश्ते वगैरह की तैयारी करूँगी, इसको संभाल के अपने लिए नाश्ता बनाएंगे और फिर हम करेंगे नाश्ता। पर मेरा नाश्ता भी हो चुका है रेडी, रोज़ की तरह ऑमलेट बना लिया मैंने, और ब्रेड नहीं थी तो मैंने ये बन ले लिए, तो इजी भी बन जाता है और फुलफिलिंग भी होता है और मुझे अच्छा भी लगता है। तो नाश्ता मेरा तकरीबन सेम ही होता है, बस एक चीज़ के पीछे मैं लग जाती हूँ, और साथ मैंने बना लिया चाय। और यहाँ पर जनाब द हिजाब कंपनी पर लगी हुई थी सेल, बाय वन गेट वन फ्री की शेफून हिजाब्स पे, तो फिर मैंने कहा चलो मंगवा के देखते हैं, मंगवा लेते हैं, क्योंकि पहले भी मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे पसंद तो हैं और कलर्स भी मज़े मज़े के थे, तो आजकल वैसे भी फील करता है अलग अलग कलर्स पहनने को। तो ये मैंने मंगवाए हैं जनाब दो, तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कौन कौन से हैं। और ये है जनाब, मैंने एक दफ़ा मंगवाया है, इस दफ़ा एक मंगवाया है चारकोल कलर में, और एक मंगवाया है मैंने जंगल में। ये वाला ग्रीन मुझे अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है पिक्चर में, थोड़ा सा और लग रहा था, लेकिन अच्छा ही लग रहा है। ये इस तरह से कलर है ये, और स्टफ़ तो मुझे वैसे इनका अच्छा ही लगता है शिफॉन, इसीलिए ना मैंने पहले भी मैंने मंगवाए थे, और अब फिर ज़ुबैर ने ऑफ़र लगाई कि मंगवा लो, तो मैंने कहा चलो इसमें मैं सिर्फ देर नहीं करनी चाहिए। और ये जनाब दूसरा है, दूसरा कलर मैंने मंगवाया था चारकोल कलर, पहले मेरा दिल था ब्लैक मंगवा लूँ, फिर मैंने कहा ब्लैक काफ़ी, पूरी ज़िंदगी ब्लैक ही पहना है, तो थोड़ा सा डिफरेंट कलर्स ही मंगवाती हूँ, तो ये ब्लैक में भी आ जाता है, और मतलब डार्क कलर्स में आ जाता है, इतना फंकी सा भी नहीं है। तो ये दोनों कलर्स मैंने मंगवाए हैं और पसंद आई है मुझे। और बस यहाँ पर जो मैंने सब्ज़ियाँ वगैरह काटी थी वो मैंने काट के ना फ्रिज में रख दी थी, इस दफ़ा मैंने बॉईल नहीं की थी अभी तक, कि जैसे ही टाइम मिलेगा ना तो कर लूँगी, तो आज मेरे पास था टाइम तो मैंने फ्रिज से निकाली, मैंने कहा इससे पहले कि ये ख़राब होना शुरू हो, और फिर मैं कच्ची भी फ्रीज़ करना नहीं चाह रही थी, तो फिर मैंने कहा इनको बॉयल कर लूँ, तो मैंने मटर भी बॉयल किए, और फिर मैंने ना साथ ही साथ फलियाँ भी बॉयल कर लिया, और फिर इनको ठंडा होने के लिए रखा, और ठंडा होने के बाद फिर मैंने इनको जिप लॉक बैग्स में डालकर और फ्रीज़ कर दिया है, और जब चाहिए होंगी तो बस निकालूंगी और इनको यूज़ कर लूँगी अब।
और साथ ही साथ मैंने फिर लंच की तैयारी भी शुरू कर ली। और आज मैंने बनाने थे कीमे वाले कबाब, और बच्चों को बहुत पसंद आए थे। पिछली बार मैंने बनाए थे लेकिन वो बहुत ही थोड़े से थे, बस मैं वैसे ही कीमा पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो बना लूँ। तो इस दफ़ा फिर मैंने ज़रा ज़्यादा बनाए बच्चों को क्योंकि पसंद आए हुए थे। तो ये भी मैंने ना गोश्त काफ़ी दिनों से रखा हुआ था कि बनाऊँगी बनाऊँगी, लेकिन ये जो काम थे ना बीच में 3-4 दिन ये टाल मटोल होते रहे इन पर। तो आज मैंने कहा निकालूँ इससे पहले कि गोश्त भी ख़राब हो जाए, क्योंकि मैंने फ्रीज़ नहीं किया था, मैंने फ्रिज में ही रखा हुआ था। और ना मैंने कहा था कबाब वगैरह बना के कुछ बना लेंगे और कुछ फ्रीज़ कर देंगे, लेकिन माशाल्लाह से वो इतने अच्छे लगे सारों को कि वो ना बस एक ही दिन में ख़त्म हो गए, मुझे फ्रीज़ करने के लिए बचे ही नहीं। और बस यहाँ पर ना मैंने प्याज़ वगैरह कटिंग कर ली है, और उसके साथ ना प्याज चॉप करके ना तो निचोड़ के डालूंगी, और जो मेरे पास गोश्त पड़ा था ना मैं वही यूज़ करूँ क्योंकि कीमा मेरे पास पड़ा हुआ नहीं था। इसी को छोटा छोटा कट करके तो चॉपर में ना मैं इसको चॉप कर लूँगी, और साथ फिर मैं डालूंगी इसमें हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, और ये, और एंड में फिर हम ना इसमें टमाटर चॉप करके डाल देंगे। और बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, और मसाले भी बिल्कुल सारे घर के हैं। और ना एंड में मैंने थोड़ा सा ना इसमें जो शान का तंदूरी सीख कबाब मसाला है, हाँ जी, तो वो डाला था क्योंकि वो मेरे पास पड़ा हुआ था, और ना पड़ा हुआ हो तो मैं फिर नहीं डालती। तो बाकी सारे घर के बेसिक मसाले, नमक, मिर्चें, सूखा धनिया, ज़ीरा, और भुना कुटा हुआ सूखा धनिया और ज़ीरा कबाबों में बहुत मज़े का लगता है। और बस यहाँ पर ना सारा कुछ मैंने इसमें शामिल कर दिया, और उसके बाद अब हम इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। और इसमें ना फिर मैं साथ थोड़ा सा डालूंगी मकई का आटा, क्योंकि इन कबाबों में ना मकई का आटा एक तो बाइंडिंग के लिए यूज़ तो होता ही होता है, लेकिन इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इससे ना थोड़े से क्रिस्पी से कबाब बनते हैं, और बाहर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट से होते हैं बिल्कुल। और साथ ही ना मैंने इसमें हरा धनिया भी चॉप करके डाल दिया, और 2 अंडे डालूंगी क्योंकि ये मैंने गोश्त का करके ना चॉपर में तो बनाए हैं, तो इसमें ना चर्बी वगैरह इस तरह का कुछ भी नहीं था, तो काफ़ी ड्राई था। तो मैंने कहा ड्राई जो सा ना अगर ये हुआ तो फिर ये बिल्कुल टूट जाएंगे। तो फिर मैंने ना इसमें अंडे डाल के ना थोड़ी सी ना इसकी कंसिस्टेंसी कह सकते हैं कैसे सेट की थी। तो बाकी इसमें खुश्क मसाले जो जो पसंद हो वो डाल लें। तो मिर्ची वगैरह मैंने थोड़ी कम डाली थी क्योंकि आजकल ना स्पाइस टॉलरेंस ना बिल्कुल 0 हुई हुई है, पता नहीं क्यों। और अब कीमे में ना सारे मसाले डाल के ना इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, तो इसको हम ना थोड़ी देर बाहर ही रखेंगे, मैं फ्रिज में नहीं रख रही, ताकि ना मसाले जो उनसे ना वो सारे अच्छे से ना इसके अंदर जज्ब हो जाए, क्योंकि गोश्त मेरा पहले ठंडा था, और ना थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ भी जाएगा और सारे मसालों का ना टेस्ट आपस में मिक्स हो जाएगा, और गोश्त के जो कीमा है ना उसके अंदर भी अच्छे से टेस्ट आ जाएगा, तो कबाब बहुत मज़ेदार बनेंगे। और यहाँ पर ना सारा कुछ अच्छे से मिक्स करके फिर मैंने इसमें चॉप किया हुआ टमाटर, और साथ ही मैंने हरा धनिया डाल दिया। ये थोड़े बहुत चपली कबाब से मिल रहे हैं, थोड़े बहुत कच्चे कीमे के कबाब से मिल रहे हैं, लेकिन मैं ना इसी तरह ही बनाती हूँ, और वाकई में ये बहुत मज़े के बनते हैं। और साथ इसके हम बना लेंगे चटनी शटनी, तो ना इसका मज़ा हो जाएगा दोबाला। और यहाँ पर जनाब मैंने फलियाँ और मटर बॉईल कर लिए, थोड़े से खुश्क हो जाए ना फिर इनको हम वो करेंगे। और ये मैंने निकाला, ये कीमा करवाना है, और ये उस दिन बोनलेस का बोल गए थे, बाहर चिकन ले आए थे, तो अभी मैंने रखी हुई है कि बोनलेस करवा के, बर्तन मैंने धो लिए और मशीन लगाई हुई थी मैंने आज, तो मशीन से निकाल देंगे कपड़े और डालेंगे हम वो सूखने के लिए। तो आज बस सिर्फ यूनिफॉर्म ही धोए, बाकी कल धोऊंगी इंशाल्लाह। बस जनाब सारे काम फिनिश कर लिए, फिनिश तो नहीं कर लिए, जो मतलब बड़े सुबह सुबह वाले काम थे वो ख़त्म हो गए अब। तो नाश्ता करने बैठी हूँ, सैंडविच बना लिए और साथ चाय, बस नाश्ता करेंगे, थोड़ा सा साथ टीवी देखूँगी, और उसके बाद फिर ना रूम वगैरह ज़रा सेट करूँगी, बिखरा है। और यहाँ पर जनाब ये कबाब हमारे फ्राई हो रहे हैं, और बिल्कुल भी आपको नज़र आ रहा है कि टूट भी नहीं रहे, और ना सही मज़ेदार से बन रहे हैं। और अभी आपको दिखाती हूँ कि अंदर से कितने सॉफ्ट सॉफ्ट से हैं और सही जूसी से बने हैं। तो बस यहाँ पर अभी हम दिन का खाना शाना खाएंगे, मैंने ना रोटी वगैरह भी बना ली थी, और इसके साथ ही आज का व्लॉग भी एंड करूँगी। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लें, और अभी तक ना चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।